हार्दिक पांड्या ने घोषित की दूसरे टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11। हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया में किए बड़े बदलाव, शामिल किए दो खतरनाक खिलाड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मुकाबलों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा चुका है, जहाँ पर भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इस हार के बाद अब टीम इंडिया में बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी और यह मुकाबला कितने बजे शुरू होगा। इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया दूसरे टी20 मुकाबले को जीतकर शानदार वापसी करे। तो दोस्तों, दूसरे टी20 मुकाबले की हम बात करें तो दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम जिस प्रकार का परफॉर्मेंस पहले टी20 मुकाबले में कर आई है, तो इस टीम में कोई भी बदलाव दूसरे टी20 मुकाबले में भी होता हुआ नहीं दिखेगा। हमें इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करते हुए फिन एलन और डेविन कॉनवे दिखेंगे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार तरीके से शुरुआत की थी। फिन एलन ने जहाँ 23 गेंदों पर 35 रनों की पारी खेली, तो वहीं पर डेविन कॉनवे ने 35 गेंदों पर शानदार 52 रन बनाए थे। वहीं पर इस टीम की तरफ से नंबर 3 पर एक बार फिर मार्क चैंपियन उतरेंगे, जो कि पिछले मुकाबले में भले ही अपना खाता ना खोल पाए हों, लेकिन यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर हमें ग्लेन फिलिप्स खेलते हुए नजर आएंगे, तो नंबर 5 पर खेलते हुए दिखेंगे डेरियल मिचेल, जिन्होंने पिछले मुकाबले का रुख पूरी तरह से पलटा था। उनके द्वारा खेली हुई 30 गेंदों पर 59 रनों की पारी ने इस मुकाबले को पलटा था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, नंबर 6 पर माइकल ब्रेसवेल, तो नंबर 7 पर मिचेल सेंटनर उतरेंगे। नंबर 8 पर इस सोडी खेलते हुए नजर आएंगे, तो नंबर 9 पर जेकोब डफी उतरेंगे, जबकि नंबर 10 पर लॉकी फर्गसन उतरेंगे, तो नंबर 11 पर ब्लेयर टिकनर उतरने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों, दूसरी तरफ हम बात करें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की, तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की ओपनिंग जोड़ी में ही हमें बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है, जहां पर दोस्तों ईशान किशन के साथ अगले मुकाबले में पारी की शुरुआत करते हुए नजर आने वाले हैं पृथ्वी शो, यानी कि दोस्तों शुभमन गिल की जगह पर पृथ्वी शो को मौका मिलेगा। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 3 की हम बात करें, तो यहाँ पर टीम इंडिया के लिए एक बार फिर शानदार तरीके से राहुल त्रिपाठी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं, हालाँकि पहला मुकाबला तो उनका भी अच्छा नहीं गया था। तो वहीं पर दोस्तों, इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से नंबर 4 पर हमें सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे, सूर्या के परफॉर्मेंस से तो काफ़ी शानदार उम्मीद होगी। तो वहीं पर इसके साथ ही नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या से भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद होगी, यानी कि दोस्तों हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव नंबर 4 और 5 पर टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं इस मुकाबले में। तो वहीं पर टीम इंडिया के लिए नंबर 6 और 7 पर दीपक हुड्डा और वाशिंगटन सुंदर भी कमाल कर सकते हैं। दीपक हुड्डा भले ही पिछले मुकाबले में 10 गेंदों पर 10 ही रन बना पाए हो, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 28 बॉलों पर 50 रनों की पारी खेली थी और उनकी इस पारी ने कॉन्फिडेंस दिया उनको, तो इस मुकाबले में भी वो शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों टीम इंडिया के इन दोनों ऑलराउंडरों से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद होगी। तो वहीं पर हम बात करते हैं इसके बाद नंबर 8 की, तो यहाँ पर हमें शिवम मावी खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि नंबर 9 पर खेलते हुए दिखेंगे कुलदीप यादव। कुलदीप यादव भी टीम के लिए काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह की जगह पर हमें मुकेश कुमार यहां पर डेब्यू करते हुए टीम इंडिया की तरफ से नंबर नज़र आने वाले हैं। तो वहीं पर नंबर 11 पर उमरान मलिक हमें खेलते हुए नजर आएंगे, यानी कि दोस्तों टीम इंडिया की ओवरऑल टीम देखी जाए तो काफ़ी शानदार नज़र आ रही है। वहीं पर यह मुकाबला 29 जनवरी को खेला जाएगा लखनऊ क्रिकेट स्टेडियम में। तो दोस्तों, क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी इस मुकाबले में, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।